हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल टॉपिक को ही आगे की ओर बढ़ाएंगे, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट टॉपिक को कवर किया था और वहां पे हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है। तो व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस देन दिस अरेंजमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। और इलेक्ट्रिक डायपोल अपने अराउंड कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है ना, तो उसका जो स्ट्रेंथ है उसके स्ट्रेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है इलेक्ट्रिक डायपोल के स्ट्रेंथ को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, पी इक्वल टू क्यू इंटू 12, ठीक है। और इलेक्ट्रिक डायपोल का जो डायरेक्शन है वो कहां से कहां तक होता है, तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर बात करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्साइल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये सारा टॉपिक हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है, कि मान लीजिए यहाँ पे एक हमारा नेगेटिव चार्ज है ना, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, और इन दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली जो लाइन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायपोल एक्सिस, ठीक है। तो इस डायपोल एक्सिस में कहीं पे एक पॉइंट हम लोग ले रहे हैं पी, ठीक। अब इस डायपोल की वजह से इस पॉइंट पी पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए, ये डायपोल हो गया और ये इसका सेंटर यानी सेंटर ऑफ डायपोल, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, एल, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, एल। टोटल करते हैं कितना हो जाता है, 12, ठीक है। और देखिए, इस पॉइंट पी पे हमें इस डायपोल की वजह से क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक। तो जो भी पॉइंट होगा उसका जो डिस्टेंस लेंगे हमेशा कहां से लेंगे, सेंटर ऑफ डायपोल से। तो मान ले रहे यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर है, क्लियर है। तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, तो एल प्लस आर हो जाएगा, क्लियर है, ठीक। तो यहाँ पे मान ले रहे पॉइंट ए और यहाँ पे मान ले रहे पॉइंट बी, क्लियर। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो देखिए आर में क्या करेंगे, एल माइनस कर देंगे, इट मीन आर माइनस एल, क्लियर है। इसको थोड़ा हम लोग लिख लेते हैं आर प्लस एल, ठीक है। तो देखिए, अब इस डायपोल के वजह से पॉइंट पी पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हम लोग अभी तक जो भी पढ़े हैं उसमें हम लोग क्या पढ़े कि एक पॉइंट चार्ज के वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। हम लोग बहुत सारे चार्जेस के वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एक बार माइनस चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, फिर एक बार पॉजिटिव चार्ज के वजह से करेंगे, और फिर उन दोनों को क्या करेंगे, वेक्टर सम कर देंगे। तो हमें इस पॉइंट पी पे इस पूरे सिस्टम के वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगा, क्लियर स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं माइनस चार्ज के वजह से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी, ठीक है, किसके वजह से, तो ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, क्लियर है। तो अब किसी एक चार्ज के वजह से किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है उसका फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ई माइनस क्यू, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के क्यू, ठीक है, के क्यू। तो यहाँ पे चार्ज देखिए कितना है, क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए से पी तक का डिस्टेंस यानी ए पी का स्क्वायर, क्लियर है। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो E माइनस क्यू इक्वल टू के क्यू अपॉन, अब देखिए ए पी, तो ए से पी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना, आर प्लस एल, ठीक है। तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। ये आया किसके वजह से, तो नेगेटिव चार्ज के वजह से। अच्छा, इसके वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, तो देखिए ये माइनस क्यू चार्ज के वजह से इस पॉइंट पे चाहिए हमको, है ना। तो नेगेटिव चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो टुवर्ड रेडियली क्या होता है, इनवर्ड होता है, मतलब अंदर की तरफ होगा। ये किसके आए, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से, माइनस क्यू के वजह से, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। अब देखिए, अब किसके वजह से निकाला है, प्लस क्यू चार्ज के वजह से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, क्लियर है, यानी ई प्लस क्यू क्या हो जाएगा, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी यहां से यहां तक का लेना है बी पी, ठीक है। तो बी पी का होल स्क्वायर, इट मीन्स के क्यू अपॉन बी पी, बी से पी तक का डिस्टेंस कितना है, आर माइनस एल, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। ये आ गया, यानी इसको हम लिख सकते हैं ई इक्वल टू प्लस क्यू के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, है ना। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया किसके वजह से,
इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से। अच्छा, इसके वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो किधर होगा, तो ये प्लस क्यू है, यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखते हैं क्यू नॉट, तो प्लस प्लस रिपेल करेगा, यानी इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ होगा, यानी ई प्लस क्यू, ठीक है, इसके वजह से किधर है, बाहर की तरफ, पर नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ। अब हमें क्या निकालना है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यानी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी, है ना, तो क्या हो जाएगा, ई नेट, ठीक है, ई नेट, तो दोनों का सम हो जाएगा, कैसा सम करेंगे, वेक्टर सम। अब देखिए यहां पे क्या है कि प्लस क्यू के वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है और माइनस क्यू के वजह से जो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो कौन सा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, उन दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग है, हम लोग क्या पढ़े हैं कि ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल वन अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि डिस्टेंस अगर कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा और डिस्टेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। तो देखिए इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या ज्यादा है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका स्ट्रॉन्ग होगा, इन दोनों के बीच का, ठीक है, यानी ये जो ई प्लस क्यू है ये ज्यादा है और ई माइनस क्यू क्या है, कम है, तो हमको नेट निकालना है, ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या करेंगे, ई प्लस क्यू माइनस कर देंगे ई माइनस क्यू, क्लियर है, ई प्लस क्यू देखिए कितना है, के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस कर देंगे इसको, तो के क्यू अपॉन यहाँ पे आर प्लस एल, ठीक है, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, क्लियर स्टूडेंट, ठीक है, तो दोनों में कुछ कॉमन हो जाएगा, क्या कॉमन होगा, के क्यू कॉमन हो जाएगा, ठीक है, तो चलिए पहले आप इसको नॉट डन कीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर देते हैं हम लोग, है ना, देखिए यहां से आ गया हम लोग, है ना, तो E नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो के क्यू कॉमन, तो के क्यू कॉमन अंदर क्या बच गया, वन अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, क्लियर स्टूडेंट, अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो के क्यू एलसीएम हो जाएगा आपका आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर, क्लियर स्टूडेंट, तो इस जो एलसीएम आया उसको डिवाइड करेंगे आर माइनस एल का होल स्क्वायर से, कट जाएगा, क्या बचेगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा यहाँ पे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, तो देखिए के क्यू ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू आर एल, है ना, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस टू आर एल, क्लियर है, अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर और इधर आर प्लस एल का होल स्क्वायर, क्लियर स्टूडेंट, चलिए इसको और सॉल्व करते हैं, तो देखिए के क्यू अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू आर एल माइनस प्लस माइनस आर स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एल स्क्वायर, ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस टू आर एल, क्लियर स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और क्या हो जाता है ए माइनस बी, तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही फॉर्मेट दिख रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, देखिए आर स्क्वायर यहाँ से कैंसल, एल स्क्वायर कैंसल, ठीक है, तो के क्यू क्या हो गया टू आर एल और प्लस टू आर एल यानी फोर आर एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्लियर स्टूडेंट, यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो देखिए के क्यू ये q जो इसको अंदर ले जाते हैं और ये 2 को ब्रेक करते हैं ना, तो q इंटू टू एल और इधर क्या रखती है 2r अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्लियर स्टूडेंट, ये जो 4 है इसको थोड़ा सजा दिए है ना, q इंटू क्या लिख दिए 2l, ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम लोग डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला पढ़े q p इक्वल टू q इंटू टू एल, ठीक है, तो जहां पे हमारा k इंटू 12 है वहां पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, p पुट कर देंगे, क्लियर, तो चलिए देखिए ये हमारा आ रहा e net, है ना, तो e net, अब इसके जगह पे क्या पुट कर देंगे p, तो k p इंटू टू आर अपॉन क्या हो गया r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर,
11 अब स्टूडेंट यहां पे हम लोग क्या करते हैं कंडीशन ले लेते हैं कि इफ आर मच मच ग्रेटर देन एल, ठीक है, यानी ये जो डिस्टेंस आर है वो एल के कंपेयर में क्या बहुत बड़ा है, अगर ये आर एल के कंपेयर में बहुत बड़ा है तो इसका मतलब है कि एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है, तो एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड यानी यहां पे एल क्या कर देंगे नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो अगर एल नेग्लेक्ट कर दिए तो देन इनेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए के पी इंटू टू आर अपॉन ये टर्म तो हमारा खत्म हो गया, तो आर का पावर टू पहले से और टू क्या हो जाएगा आर का पावर फोर, यानी आर का पावर फोर एक आर यहां से कट जाएगा यानी थ्री, यानी ई नेट इक्वल टू के इंटू टू पी अपॉन आर क्यू, ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा क्या निकल क्या है ई नेट निकल क्या है, ठीक है, अब ये जो ई नेट है वो ई नेट किस डायरेक्शन में होगा, तो हम लोग अभी पढ़े थे कि कौन सा ज्यादा है ई प्लस क्यू ज्यादा है और ई माइनस क्यू कम है, यानी जो इनेट का डायरेक्शन होगा वो किधर से किधर होगा, तो ए से पी के तरफ है ना, यानी जो इनेट का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा अलोंग ए पी, स्टूडेंट,